फिल्म से जुड़ी है? देखिए, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ये एक लव स्टोरी है, म्यूजिकल है। हमारी ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है, टैलेंट भी चलता है, कैसे गेम्स खेलते हैं लोग, एंड यू नो हाउ पीपल यूज पावर बट लव ऑलवेज विन्स। तो ये सब मिर्च मसाला इज देयर इन दिस फिल्म, इसलिए इश्क में क्रेजी किया है। एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट समथिंग एल्स। माई कैरेक्टर इज क्रेजी फॉर पावर एंड डोमिनेटिंग नेचर, तो इट्स अ लिटिल ग्रे शेड। फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस समथिंग ग्रेश नेगेटिव एंड पावरफुल वुमन, सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड अबाउट द फिल्म। एंड मैंने आज ट्रेलर देखा एंड द म्यूजिक आई हर्ड, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, सो लेट्स होप फॉर गुड। मुग्धा पहली बार ग्रे शेड में नजर आने वाली हो, कहीं ना कहीं इमेज चेंज होगी आपकी इस फिल्म से, जैसे कि हम आपको हमेशा अलग किरदार में देखते आया, इसमें ग्रे शेड है तो कहीं ना कहीं इमेज चेंज हो जाएगी? यस, देखो इमेज तो हमारी हर पिक्चर से चेंज होती रहती है। When we do glamorous role, we are known as glamour girls. When we do non-glamorous role, we are known as girls next door. So, you know, हमेशा हर एक पिक्चर के साथ एक इमेज चेंज होती रहती है। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स अ गुड चेंज एंड पीपल लाइक माई कैरेक्टर। इवेंचुअली आज सिनेमा, जैसे आज सिनेमा बन रहे हैं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड रोल्स आर बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। हाउ डिफिकल्ट इज टू प्ले एन ग्रेशियस? एक्चुअली अग्रेसिव और नेगेटिव रोल करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ना वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, दोना दोना नहीं होता, वेरी डोमिनेटिंग नेचर, तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। नरेश जी एंड आई वर टॉकिंग अबाउट वन फिल्म, उसके तो उस दैट मूवी वॉज टेकिंग मी टाइम, सो ही नरेटेड मी दिस स्टोरी एंड ही इज लाइक दिस इज द रोल, इट्स वेरी नेगेटिव बट सो विल यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड व्हाई नॉट, एंड दिस इज हाउ ही नरेटेड द फिल्म। ही नरेटेड मी द होल फिल्म एंड आई थिंक आई गॉट क्रेजी फ्रॉम द डे वन। क्या एक्सपेक्टेशन है कि मूवी कितना क्रेजी करेगी लोगों? सी, वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरी फिल्म वी डू, क्योंकि हमने इतना हार्डवर्क और मेहनत की है हर एक पिक्चर बनाने में, सो वी वॉन्ट एवरी मूवी टू बिकम हिट। तो बाकी आपके ऊपर है दैट वट एवर यू लाइक, वी जस्ट होप एंड प्रे। हर एक नए पिक्चर में नए स्टार्स आते रहते हैं, तो इट्स अ न्यू चेंज एंड इट्स अ न्यू थिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, सो इट्स वेरी गुड। न्यू प्रोड्यूसर, न्यू स्टार कास्ट एंड बट द ओल्ड डायरेक्टर, सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मेरा किरदार है, इसका नाम है आदित्य। ये फिल्म के अंदर एक सिंगर है जो कि एक इंडियन आइडल के टाइप का कॉन्टेस्ट है हमारी शो में, हमारी फिल्म में इंडियन आइकॉन, उसमें ही इज अ पार्टिसिपेंट। मेहनत कर रहा है, एक छोटे शहर से आया है अम्बाला से, करियर बनाने आया है एज अ सिंगर, एंड इसको प्यार हो जाता है एक लड़की से कॉल्ड रितु, जो कि आगरा की लड़की है, बहुत सिंपल लड़की है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब उसके उसके सामने एक चैलेंज आता है कि जो शो की प्रोड्यूसर है उसकी, मुग्धा गोडसे जो है हमारे साथ, वो शो के प्रोड्यूसर है, वो उसके सामने एक एक ऑप्शन रख देते हैं कि यार या तो तू करियर चूज़ कर ले या अपना प्यार चूज़ कर ले। करियर चूज़ करेगा तो मतलब तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा, प्यार चूज़ करेगा कि नहीं करता है, दैट इज़ द होल स्टोरी। यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि रियलिटी शो में कितना रियलिटी, शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा लालच है, एवरीबडी वांट्स कि जल्दी से हमें फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है कि एक रियलिटी शो के अंदर एक लड़के को एक शॉर्टकट मिलता है, लेकिन उस शॉर्टकट का जो प्राइस है, वो प्राइस है कि उसको अपना प्यार, अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या वो उस शॉर्टकट को लेता है कि नहीं लेता है, दैट इज़ द होल। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने शॉर्टकट्स आ जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उन शॉर्टकट्स को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि यार शॉर्टकट लेके अगर आप सक्सेस पा लो, लेकिन अगर आपको रास्ते में अपनी फैमिली को, अपने प्यार को छोड़ना पड़े, आपको अपने साथ वालों को छोड़ना पड़े, तो उसका क्या फ़ायदा? सक्सेस अचीव करने के बाद अगर आप अकेले हो जाए, व्हाट्स द यूज ऑफ इट? हाँ, सेट पे सबसे ज़्यादा क्रेजी किसने किया? नरेश जी ने, हमारे डायरेक्टर ने सबसे ज़्यादा क्रेजी उन्होंने किया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। वो चाहते हैं कि आपका बेस्ट कैमरा पे, वो उनको खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट, मुग्धा के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, मेज़ोबाइश के बाद हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। तो
इसकी वर्डिंग कैसे जहन में आई? तो कुमार बाजी ने लिखा है, मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। क्या पाजी हमेशा दो यंग लॉन्डर से घेरे रहते हैं, तो हमें देखते इन्होंने बोल दिया अरे यंग यंग लॉन्डर। नहीं, मेरे को लगा एक यंग बंदा दो बंदों से घेरा, ये काम फील था, ये इनको गलतफहमी हो गई। पूरी यंग फील मेरे अंदर थी, दो लॉन्डे मेरे साथ थे, मैं तीन लिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो यंग यंग लॉन्डे में जितने मर्जी लॉन्डे आ रहे हैं, पहले उसको यंग होंडा कर रहे थे हम, यंग यंग लॉन्डे ऑन द होंडे, तो मैंने गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने गाना बनाया यंग यंग लॉन्डे खराब करके फुल फिल रातों में खराब कर। अच्छा, ये कब सोचा कि आप दोनों को फीचर भी करना चाहिए इस गाने में? ये बचपन में सोच लेते हैं, पेट को माया तो सुनना बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली बहुत समय से हमारी, पहले हम लोग बहुत वीडियोस में आते थे, लेकिन अभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आजकल जो फैंस हैं, जो गाने सुनते हैं, उनको वो जानना चाहते हैं कि इस आवाज़ के पीछे म्यूजिक पीछे कौन है। और जिस वीडियो में ये आते हैं, वीडियो सुपर डुपर हिट होता है, और क्या चाहिए प्रोड्यूसर को? तो इसलिए हम लोग साथ में हम लोग डांस भी कर रहे थे और पहले करते ही आए हैं। पंजाबी बंदे पंजाबी स्टाइल से शूट किया, वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी मिस जानकी इन द शूट, ऑल्दो ये शी लुक्स लाइक अ हीरोइन हरसेल्फ, इसलिए हमने कहा ये आएंगी तो लाइमलाइट खा जाएंगी, इसलिए हमने कहा नहीं, यू कैन नॉट कम। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाने को, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद मी ब्रदर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच मम्मी हनी एंड जानकी, बहुत अच्छा गाया आप सुन लेना। वी ऑलवेज लाइक टू वर्क विद न्यू वॉइस, हमने हमेशा कोशिश की है कि नई नई आवाज़ें इसके साथ काम करें, उसमें हमको भी एक नई एक्साइटमेंट आती है, सो वी लाइक टू वर्क, लाइक हमें फ्रेश लगता है, जैसे कनिका के साथ किया था, फिर सलमान भाई को पहली बार गवाया, फिर खुशबू, उसके बाद जानकी, तो वी ऑलवेज लाइक न्यू वॉइसेस, यू नो एक्साइटेड। हम एक प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं, पहले कुमार पाजी ने नए म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करा जब हम नए आए थे, फिर पाजी ने बोला कि बेटा नए लोगों को चांस देने से बड़ा पुण्य होता है, तो फिर मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ ये बोला नहीं नहीं बिल्कुल पाजी ने एक्चुअली जब हम लोग स्टार्टिंग में हम बहुत कैजुअली लेते थे, मस्ती में रहते थे, पाजी ने बोला नहीं तुम लोग के अंदर सीरियस म्यूजिक है और तुम लोग करो, हम लोग को बिजनेस भी था हमारा, तो पाजी ने बोला वो सबसे ध्यान हटा के इसी में लगो, तो इन्होंने हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन दे के पुश किया और 2 साल पहले पाजी ने बोल दिया था कि पाजी आप टेंशन नहीं लो, ऐसे गाने बनेंगे कि सब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, हम लोग हंसते थे पाजी की बातें कैसी बातें कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हो गया, तो इन्होंने शायद वो पहले ही देख लिया था। देखो हमें पता नहीं, हम अच्छा गाना बनाते हैं, आप लोग सुन के सुपर हिट करते हैं, हम चाहते हैं सुपर हिट हो। गोली से मारो लव की बातों को, कर लो कंट्रोल जज्बातों को, जो भी मिले उसकी आंखों से पी लो नशे की बरसातों को। ओ ये तो ढूंढे लवली मौके, महंगी सी विस्की में टल्ली हो के, पानी को शराब कर गई यंग यंग, ओ यंग यंग, ओ यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के खाब कर गई, ओ यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के खाब कर गई। रेड मारो जल्दी मारो रेड जी, पार्टी में तो चल रहे हैं शॉट्स रेडी मेड जी। थैंक यू सो मच।